नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल वर्चुअस में। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, आज आपके लिए लाया हूं रिवर्स सिलोगिज्म का पहला पार्ट। कल लगभग शाम को आपको एक पोस्ट मैंने शेयर की थी, जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं रिवर्स सिलोगिज्म का एक सेशन आपके लिए लाऊं। तो काफी स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया, वोट किया, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चाहते थे कि मैं रिवर्स सिलोगिज्म पढ़ाऊं। उसको ध्यान में रखते हुए रिवर्स सिलोगिज्म का पहला पार्ट आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ये पार्ट वन है। इस सीरीज में दो पार्ट रहेंगे, ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट कल संडे को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, अच्छे से पूरा वीडियो देखना है। इसमें मैंने अराउंड 4 to 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें एक सर्टेन टाइप का रिवर्स सिलोगिज्म जो मेनली मेंस लेवल में आपसे पूछा जाता है, चाहे वो SBI PU का हो, SBI क्लर्क का हो, IBPS क्लर्क का हो, जो अभी कुछ ही समय में आपका 20 जनवरी को एग्जाम है भी, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम देखेंगे कि रिवर्स सिलोगिज्म के सवालों को कैसे करना चाहिए, मतलब क्या अप्रोच रहनी चाहिए, क्या मेथड रहना चाहिए जिससे कि सवाल हम करेक्ट कर सकें। सिलोगिज्म तो लगभग सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं, पर रिवर्स सिलोगिज्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिवर्स सिलोगिज्म के सवाल का फॉर्मेट क्या रहता है, क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, नए सिरे से कर रहे हैं, उन्होंने शायद देखी ना हो। ऐसे भी बच्चे रहेंगे जिनको थोड़ा टाइम भी हो गया, पर कभी भी रिवर्स सिलोगिज्म से कभी भी रूबरू नहीं हुए, कभी भी पाला नहीं पड़ा है इस तरह के क्वेश्चन से, तो उनके लिए भी फर्स्ट टाइम ही रहेगा, देखना। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट से यूज्ड हो जाते हैं कि किस तरह से ये सवाल पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसके थ्रू हम मेथड समझेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सिलोगिज्म के क्वेश्चन में और रिवर्स सिलोगिज्म के क्वेश्चन में सबसे पहला फर्क क्या है, कि कंक्लूजन्स आपको पहले पुटअप किए जा रहे हैं, स्टेटमेंट्स नहीं दिए जा रहे। यहां पर क्या दिए जा रहे हैं, कंक्लूजन्स दिए जा रहे हैं, और नीचे 5 ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। कितने स्टेटमेंट्स हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल्स में किसी में ज्यादातर में कितने हैं, चार चार आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो रिवर्स सिलोगिज्म जैसे कि आपको नाम से लग रहा है उल्टा हो जाता है बिल्कुल। कंक्लूजन आपको दे दिए जाते हैं और ऑप्शंस में आपको स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके जिसको यूज करके ऊपर वाले कंक्लूजन करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है इनको सॉल्व करने में, सर सबसे पहला स्टेप रहेगा जो कंक्लूजन दिए गए हैं उनको यूज करके एक बेसिक डायग्राम, एक वेन डायग्राम आप बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ऑल आर बींग इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब भी आपका पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन आए तो उसको सबसे एंड में बनाइए, उसके अलावा जो कंक्रीट जो कंक्लूजन है उनको पहले बनाएंगे। तो सेकेंड वाला कंक्लूजन देखते हैं, सम PRF, कुछ पी क्या है आपके, एफ है, चलिए सर बना लिया। आगे बढ़ते हैं, सम PRB, कुछ पी क्या है, बी है, ये भी बना लिया। ठीक है, यहां तक तो हमने बना लिया। अब इसको थोड़ा शेड भी कर देते हैं जिससे कि क्लियर है। अब अपना पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन क्या था, ऑल आर बींग बी इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सभी आर के बी होने की संभावना है, सभी आर के बी होने की। तो इसमें तो बी थोड़ा छोटा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मान लेते हैं ये बी है, तो इसके अंदर क्या आ रहा है आपके, आर आ रहा है, और ये हो जाएगा बी, तो इसको अलग से बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इन दोनों को मिला के आपका कुछ बेसिक डायग्राम बनता है, तीनों कंक्लूजन को मिला के। तो ये जो कंडीशंस है, ये जो बेसिक डायग्राम है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर जाएगा, जो कवर कर जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है सर इंडिविजुअली अगर हम सभी का बेसिक डायग्राम बनाएंगे तो बहुत ही टायरिंग हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। ऑल दो रिवर्स सिलोगिज्म के सवाल आपको मेंस में मिलते हैं और मेंस में आपके पास टाइम का कभी इशू नहीं रहता, टाइम का कभी आपको इशू नहीं रहता है, पर फिर भी सर इतना भी टाइम नहीं है कि सारे के सारे ऑप्शंस का हम बना बना के देखें। तो कोई तो तरीका होगा जिससे कि हमें सभी के सभी ना बनाना पड़े। तो आज का जो आपका पार्ट वन है, जैसे कि मैंने आपको कहा दो पार्ट में, पार्ट वन है वो एक सर्टेन टाइप के रिवर्स सिलोगिज्म को कवर करेगा, सभी को नहीं, सर्टेन टाइप। जो आज कवर नहीं होगा वो कल संडे को जो सेकंड पार्ट डलेगा उसमें कवर हो जाएगा। तो क्या रहता है सर, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंक्लूजन्स को देखिए कि कंक्लूजन्स कौन से टाइप के हैं, मतलब दो टाइप के कंक्लूजन्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव कंक्लूजन्स और दूसरे होते हैं आपके नेगेटिव कंक्लूजन्स, और तीसरा जो रहेगा वो आपका मिक्सचर रहेगा कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव।
ठीक है। अब हम अगर नोट करें तो यहां पर सभी के सभी कंक्लूजन्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। सर पॉजिटिव से क्या मतलब हुआ, ऑल और सम वाले जितने भी कंक्लूजन्स रहेंगे उन्हें हम पॉजिटिव कंक्लूजन्स बोलेंगे, और नेगेटिव कौन से रहेंगे सर, नो और सम नॉट वाले, नो और सम नॉट वाले आपके नेगेटिव कंक्लूजन्स रहेंगे। तो सर अगर हम देखें तो सभी के सभी कंक्लूजन्स क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि आइदर ऑल वाले हैं या फिर सम वाले हैं। तो अगर आपके सभी के सभी कंक्लूजन्स, अगर आपके सभी के सभी कंक्लूजन्स पॉजिटिव हैं तो करेक्ट ऑप्शन वही रहेगा जिसमें सभी के सभी स्टेटमेंट्स भी क्या हो, पॉजिटिव हो। अच्छे से देखिएगा, फिर से मैं बोल देता हूं, अगर सभी कंक्लूजन अगर पॉजिटिव हैं तो सभी स्टेटमेंट्स को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। मतलब ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, चाहे एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट आ जाए, तो वो आंसर नहीं होगा। तो इसके थ्रू आप काफी सारे ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे। तो सर हमने ऑलरेडी स्टेब्लिश कर दिया है कि सभी के सभी क्या है, पॉजिटिव है, तो ऑप्शन भी वही करेक्ट होगा जिसमें सभी के सभी स्टेटमेंट भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन ए में देख लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब इसको चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पॉजिटिव सर, नॉट पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सम नॉट का स्टेटमेंट आ गया है, तो आप इसको यही एलिमिनेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया ना, नो आ गया, तो ये भी आपका बाहर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सर, ये तो पहला स्टेटमेंट ही नेगेटिव आ गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट में देखते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव यहां पर आपका नेगेटिव आ गया, तो ये भी बाहर हो गया। तो यहां पर एक्चुअल में तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी सभी के सभी इस रूल से क्या हो रहे हैं, इस रूल से आपके एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेट हो जा रहे हैं। पर फिर भी हम चेक करेंगे अगर एक से ज्यादा बन पाते तो किस तरह से स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। तो मैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा कि कंक्लूजन पॉजिटिव है तो स्टेटमेंट्स भी सभी के सभी पॉजिटिव होना जरूरी है, वही ऑप्शन आएगा आपका करेक्ट। ठीक है, और ये भी देख लीजिएगा कि पॉजिटिव्स कौन से होते हैं और नेगेटिव कौन से होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ चेक कैसे करेंगे। चेक करेंगे सर नॉर्मल बेसिक डायग्राम बना के, सम आर आर एफ, कुछ आर क्या है, एफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सम एफ आर बी, कुछ एफ क्या है, बी है। ऑल बी आर एल, सभी के सभी बी क्या आ रहे हैं, एल आ रहे हैं, बना दिया सर। ऑल एल आर पी, सभी के सभी एल क्या आ रहे हैं, सभी के सभी एल आ रहे हैं पी। ये आपका ऑप्शन ए का बेसिक डायग्राम बना है। अब इससे हमें सही क्या क्या करना है कि कुछ बी पी आए, कुछ पी एफ आए, और सभी के सभी आर जिसमें पॉसिबिलिटी हो कि बी बन सके। तो चेक कर लेते हैं सर, जल्दी से चेक कर लेते हैं। इसमें जो पॉसिबिलिटी वाला जो केस रहेगा वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन चुनिएगा। सबसे पहले तो कि कुछ पी एफ है, तो सर कुछ पी बिल्कुल एफ आ रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं पी का बिल्कुल एफ के अंदर आ रहा है, तो पहला वाला तो कंक्लूजन सही हो रहा है। दूसरा, कुछ एफ बी है, कुछ एफ बी भी आ रहा है सर बिल्कुल, जब ये ओवरलैप कर रहा है तो इसके अंदर भी आ रहा है, कुछ एफ बी वाला भी सही आ गया, सॉरी कुछ पी एफ वाला भी आ गया, सॉरी कुछ पी बी वाला भी आ गया, क्योंकि बी वाला पूरा का पूरा पी के अंदर है, तो कुछ पी तो बी होंगे ही होंगे, ये दोनों बात तो सही आ गई है सर। अब आता है पॉसिबिलिटी वाला कि सभी आर बी है। अब पॉसिबिलिटी वाले केस को देखने का एक छोटी सी ट्रिक, एक छोटा सा रूल आपको मैं बता रहा हूं। पॉसिबिलिटी सही होने के बेसिकली दो ही रूल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं सर, नॉर्मल भी आप कंक्लूजन में देखे तो, एक तो कि जो भी पॉसिबिलिटी पूछी गई है वो पहले से सच नहीं होनी चाहिए, वो पहले से 100% क्या हो, सच ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा पहले से आपको स्टेटमेंट ना दिया गया हो एग्जैक्ट का एग्जैक्ट। जैसे कि हमारा केस क्या है, ऑल आर बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो पहले से ऐसा स्टेटमेंट ना हो कि ऑल आर आर बी, पहले से ये स्टेटमेंट ना हो ऑल आर आर बी, क्योंकि अगर ये पहले से ही होगा तो इसको पॉसिबिलिटी में थोड़ा ना मानेंगे, ये तो पहले से सच है उसको पॉसिबिलिटी थोड़ा ना बोला जाता है। तो एक बात का तो ये ध्यान रखते हैं कि पहले से ट्रू ना हो। दूसरी बात, जब आप ये चीज करने जाएं तो कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट खराब ना हो। अब ये चीज यहां पर अप्लाई करते हैं सर, पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन चेक करना है, ठीक है, तो एक चीज तो ये चेक कर लीजिए कि कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है क्या स्टेटमेंट में, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ही नहीं होगा तो उसके खराब होने की कोई चांस ही नहीं है।
अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ही नहीं होगा तो वो खराब कहां से होगा, इसका मतलब रूल टू तो हमेशा लग ही जाएगा। अब रूल वन क्या है कि पहले से ये बात सच ना हो, मतलब ऑल आर आर बी पहले से ना हो। तो सर कहीं भी दिया गया है कि ऑल आर आर बी है? नहीं दिया गया है, मतलब दोनों के दोनों रूल आपके लग चुके हैं और पॉसिबिलिटी केस क्या हो चुका है आपका। तो पॉसिबिलिटी केस चेक करने के लिए आपको बेसिक डायग्राम भी चेक करने की जरूरत नहीं, दो चीजें चेक कर लीजिए कि अगर स्टेटमेंट में सभी के सभी जो आपके स्टेटमेंट ऑप्शंस में सॉरी सभी के सभी स्टेटमेंट्स अगर पॉजिटिव आ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि वो एग्जैक्ट या एग्जैक्ट लाइन नीचे स्टेटमेंट में ना दी गई हो, अगर ये बातें दोनों सच हो रही है तो आपका पॉसिबिलिटी वाला भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, ऑप्शन ए को आंसर दे दिया। चलिए अब आप इसी पे बेस्ड आपसे दो तीन एग्जाम्पल और दिए गए, उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, बेसिक डायग्राम बना लेते हैं, सम एम आर जे, सम एम आर डी, सम जे आर के, और सम डी बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डी बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी। डॉट से दिखा दिया, पॉसिबिलिटी वाले को अलग से लिख लिया। चलिए अब सर एक चीज हम पहले ही नोट कर लेंगे, क्या कि सर सभी के सभी कंक्लूजन्स पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जिसमें सारे स्टेटमेंट भी क्या हो, पॉजिटिव हो। तो देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आ गया बाहर, नेगेटिव आ गया बाहर, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको चेक करना पड़ेगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गया बाहर, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब सी और ई दो ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर अब रिलेशन क्या क्या चाहिए, एक तो सबसे पहले ये चाहिए कि सम डी बी सॉरी सबसे पहले हम नॉर्मल वाले चेक करेंगे, देख लेते हैं इसका, बना लेते हैं सी का, सम पी आर के, सम पी क्या है के है, सम के आर डी, सम के सॉरी थोड़ा सा सम के आर डी, ऑल डी आर जे, सब के सब डी क्या है जे है, और ऑल जे आर एम, सब के सब क्या है एम। अब इस वाले बेसिक डायग्राम से क्या ऊपर वाले कंक्लूजन सही हो रहे, सम एम आर जे कुछ एम क्या जे है, बिल्कुल है सर, सम एम आर डी कुछ एम डी है, बिल्कुल है सर, सम जे आर के बिल्कुल है सर, और फाइनल है आपका पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी के लिए चेक करने की परेशान होने की जरूरत नहीं, सीधा से ये देख लीजिए क्या सभी के सभी स्टेटमेंट्स पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, और जो बात बोली गई है सम डी आर पी पहले से लिखा हुआ है क्या, पहले से सर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों के दोनों रूल लग गए, पॉसिबिलिटी वाला भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यही करेक्ट हो जाता है, आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, पर फिर भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से चेक करेंगे, सम पी आर के, सम के आर डी, सम डी आर जे एंड सम जे आर एम। तो सबसे पहले चेक करिए सम एम आर जे, सम एम आर जे बिल्कुल सच आ रहा है सर, सम एम आर डी सर, सम एम आर डी बात बिल्कुल भी सच नहीं आ रही है, तो यहीं पर आपका एक कंक्लूजन गलत हो गया, एक कंक्लूजन गलत हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ये ऑप्शन यहीं गलत हो जाता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देख लिया कैसे पॉसिबिलिटी वाला देखना है, कैसे पॉजिटिव कंक्लूजन वाला रूल यूज करके एलिमिनेट करना है। ठीक है अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सम एम आर बी, सम एम आर बी, तो जल्दी से बनाएंगे, सबसे पहले तो यही करिए, सम आर सम बी बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, एक बार पॉसिबिलिटी वाले को होल्ड पे रखिए, सेकंड भी थर्ड भी पॉसिबिलिटी है तो इसको भी होल्ड पे रखिए, फाइनल है सम एम आर आर एल, कुछ आर क्या है एल है। ठीक है सर अब पॉसिबिलिटी वाले अलग से बना लेते हैं, सम बी बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग पी इज अ पॉसिबिलिटी, और सम आर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम आर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। चलिए सर ये आपका बेसिक डायग्राम बन गया, अब देख लेते हैं क्योंकि सबके सब क्या आ रहे हैं सर, पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये वाला रूल तो पहले यूज करेंगे, करेंगे कौन सा सर कि सभी स्टेटमेंट्स भी क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। सर ये नेगेटिव आ गया यही बाहर, नेगेटिव आ गया है सर ये भी बाहर, नेगेटिव आ गया है सर ये भी बाहर, नेगेटिव आ गया है ये भी बाहर, पीछे बसता है सिर्फ ये, ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, पर फिर भी इसको बना के देखेंगे, ऑल पी आर सी, सम सी आर बी, सम बी आर एल, ऑल ए सॉरी ऑल एल आर आर। अब सर सबसे पहली चीज क्या देखने, सम आर आर बी कुछ आर बिल्कुल बी है सर, सम आर आर एल कुछ आर एल है, ये भी बिल्कुल सही है। अब पॉसिबिलिटी के लिए सभी स्टेटमेंट्स क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव हो रहे हैं सर, ये वाला रूल लग गया। दूसरा जो बात बोली गई है वो पहले से सच ना हो, कौन सी, कि सम बी आर पी कुछ बी क्या पी दिख रहे हैं आपको, नहीं सर दोनों सर्कल अलग अलग है, तो ये बात भी सच हो रही है, तो पॉसिबिलिटी सही। यही रूल आप इसमें लगा के देखिए, ये भी क्या आ जाएगा सर, ये भी सच आ रहा है, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल सच आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें रिवर्स सिलोगिज्म के
पॉजिटिव कंक्लूजन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना चाहिए। अब आपको होमवर्क के लिए, खुद के लिए आपको एक सवाल दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए। खुद से आंसर देंगे, आंसर कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेशन रहेगा नेगेटिव कंक्लूजन पे, जो ज्यादा थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं और सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। हैव अ ग्रेट डे।